हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब फ्रेंड्स आज के वीडियो में एक्सरे ट्यूब की हिस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे और एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स के, के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में एक्सरे ट्यूब द एक्सरे ट्यूब इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ द रेडियोग्राफिक सिस्टम जो एक्सरे ट्यूब होती है वह रेडियोग्राफिक सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इट इज़ द पार्ट दैट प्रोड्यूस द एक्सरे मतलब एक्सरे ट्यूब वह पार्ट होता है जो एक्सरे को प्रोड्यूस करता है सबसे पहले एक्सरे ट्यूब की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं एक्सरे वाज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विल कोनराड कॉन्ड ऑन फ्राइडे 8 नवंबर 1895 इन जर्मनी मतलब एक्सरे की खोज सबसे पहले विल कोनराड कॉन्ड ने फ्राइडे को 8 नवंबर 1895 को जर्मनी में की थी डब्लू सी यूज्ड यूज ए क्रुक्स ट्यूब डब्ल्यू सी ने एक क्रूक्स हिटॉर्प ट्यूब का यूज किया था एन एक्सरे ट्यूब इज ए वैक्यूम ग्लास ट्यूब मतलब जो एक्सरे ट्यूब होती है वह है एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है एक्सरे इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जो एक्सरे से एक्सरे निकलती है वह हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है द कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक इनपुट पावर इंटू एक्स मतलब एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को एक्सरे में कन्वर्ट करती है वेन रोनजन वॉज वर्किंग ऑन ए रे ट्यूब ही पासेड ए हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज थ्रू इट मतलब जब रोंजेन एक रे ट्यूब पर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने उसके थ्रू एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास किया ही ऑब्जर्वेड ए फ्लोरोसेंट ग्लो ऑन ए स्क्रीन तो उन्होंने एक स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट ग्लो देखा देन रोन्जन सिलडेड द ट्यूब विद ए हैवी ब्लैक पेपर एंड ही फाउंड दैट ए ग्रीन कलर्ड फ्लोरोसेंट लाइट वाज सीन अवे फ्रॉम द ट्यूब फ्लोरोसेंट ग्लो दिखाई देने के बाद रोनजन ने ट्यूब को एक हैवी ब्लैक पेपर से सिल्डेड किया और पाया कि ट्यूब से दूर एक ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंट लाइट दिखाई दे रही थी रोंजन कॉल्ड द ग्रीन लाइट एन एक्सरे तो रोंजन ने ग्रीन लाइट को एक्सरे नाम दिया गया इन 1895 एक्सरे वेर डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज ट्यूब कॉल्ड अस ए क्रूक्स ट्यूब और कॉल्ड कैथो ट्यूब मतलब 1895 में एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज ट्यूब से एक्सरे की खोज की गई जिसे क्रूक्स ट्यूब या कोल्ड कैथो ट्यूब कहा गया द मॉडर्न ट्यूब इज बेस्ड ऑन द कुलिज ट्यूब मॉडर्न ट्यूब कुलज ट्यूब पर आधारित होती है अब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे की बात करते हैं मतलब एक्सरे ट्यूब से एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉपेड बाय मींस ऑफ ए टारगेट मटेरियल मतलब एक्सरे का प्रोडक्शन तब होता है जब टारगेट मटेरियल के माध्यम से फास्ट मूविंग करने वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया जाए द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज काइनेटिक एनर्जी मतलब फास्ट मूविंग करने वाले इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होती है वैन द इलेक्ट्रॉन इज सडनली स्टॉपेड इट इज काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एंड एक्सरे मतलब जब मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट पर अचानक स्टॉप होता है तो काइनेटिक एनर्जी हीट और एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है देयर फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट इज द बेसिस फॉर एक्सरे प्रोडक्शन इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा टारगेट के साथ होने वाले इंट्रैक्शन को ही एक्सरे प्रोडक्शन का आधार माना जाता है इफ़ द वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड इज इंक्रीज्ड यदि एनोड और कैथोड के, के बीच वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए इलेक्ट्रॉन विल एसेलेट फास्टर थीजल्ट इन हायर एनर्जी एक्सरे विल बी प्रोड्यूज मतलब एनोड और कैथोड के बीच वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन फास्ट गति करेगा तो हाई एनर्जी वाले एक्सरे का प्रोडक्शन होगा अप टू नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इन टू हीट इलेक्ट्रॉन की नाइन्टी नाइन परसेंट तक काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है वाइल्स ओनली वन परसेंट कन्वर्टेड इन टू एक्सरे ओनली वन परसेंट ही काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट होती है फ्रेंड्स एक्सरे की प्रॉपर्टीज की बात अपन ने एक पहले वाले वीडियो में की थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप एक्सरे की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं अब एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं एक्सरे ट्यूब में ग्लास एनवलप प्रोटेक्टिंग हाउसिंग कैथोड एनोड फोकल स्पॉट, बेरलियम विंडो और ट्यूब हाउसिंग होती है तो एक्सरे ट्यूब के फर्स्ट कंपोनेंट्स ग्लास एनवलप के बारे में बात करते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह ग्लास है एनवलप होता है ट्यूब के सभी पार्ट्स इस ग्लास एनवलप में होते हैं द ग्लास एनवलप इज मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास मतलब ट्यूब का ग्लास एनवलप पायरेक्स ग्लास से बना होता है ग्लास एनवलप इज हाइली इवाकुवेटेड एंड सिलेड मतलब ग्लास एनवलप को अत्यधिक इवाकुवेटेड और सील किया हुआ होता है होल्ड टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड असेंबली एंड एनोड असेंबली ग्लास एनवलप टू इलेक्ट्रोड्स को होल्ड करके रखता है फर्स्ट है कैथोड असेंबली सेकेंड है एनोड असेंबली द एनोड और कैथोड आर हाउस इन साइड द ग्लास ट्यूब एनोड और कैथोड को एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा जाता है अब ट्यूब का सेकेंड कंपोनेंट है प्रोटेक्टिव हाउसिंग द एक्सरे ट्यूब इज कवरेड इन ए लेड लाइन मेटल प्रोटेक्टिव हाउसिंग जो एक्सरे ट्यूब होती है वह है एक लेड लाइन मेटल प्रोटेक्टिव हाउसिंग से डकी होती है द एक्सरे फोटोन आर जनरेटेड आइसोट्रोपिकली और इन ए ऑल डायरेक्शंस मतलब एक्सरे ट्यूब में एक्सरे फोटोन आइसोट्रोपिक रूप से या सभी डायरेक्शंस में जनरेट होते हैं द हाउसिंग इज डिजाइन टू लिमिट द बीम टू विंडो मतलब हाउसिंग को बीम की विंडो तक सीमित करने के लिए डिजाइन किया जाता है द हाउसिंग कंटेंस ऑयल द सर्वस एस एन इंसुलेटर आल्सो इट डिसिपेट्स द हीट एंड कूल्स द एनोड मतलब ट्यूब की हाउसिंग में ऑयल होता है जो एक इंसुलेटर के रूप में काम करता है और यह ऑयल हीट को समाप्त करता है और एनोड को कूल मतलब ठंडा करता है ट्यूब का थर्ड नंबर कंपोनेंट्स है कैथोड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह ट्यूब का कैथोड पार्ट होता है द कैथोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज साइड ऑफ द ट्यूब मतलब कैथोड ट्यूब का एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज साइड होती है कैथोड इज कम्पोज ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट विच इज एम्बेडेड इन ए फॉक्सिंग कप मतलब कैथोड एक टंगस्टन फिलामेंट से बना होता है जो एक फॉक्सिंग कप में एम्बेडेड होता है कंटेन्स टू मेजर कंपोनेंट्स मतलब कैथोड दो मेजर कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है फर्स्ट है फिलामेंट, सेकेंड है फॉक्सिंग कप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है फिलामेंट होते हैं और यह है फॉक्सिंग कप होता है तो कैथोड का फर्स्ट कंपोनेंट से फिलामेंट फिलामेंट आर यूजुअली मेड ऑफ थोरियाटेड टंगस्टन वायर मतलब फिलामेंट यूजुअली थोरियाटेड टंगस्टन वायर से बना होता है बिकॉज टंगस्टन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज टंगस्टन प्रोवाइड्स फॉर हायर थर्मियोनिक इमिशन देन अदर मेटल्स क्योंकि टंगस्टन अन्य मेटल्स की तुलना में हायर थर्मियोनिक इमिशन प्रोवाइड करता है इन मॉडर्न ट्यूब डबल फिलामेंट इन यूज मॉडर्न ट्यूब में डबल फिलामेंट का यूज किया जाता है द फिलामेंट इज ए कॉइल ऑफ वायर सिमिलर टू दैट इन ए किचन टोस्टर एक्सेप्ट मच स्मॉलर मतलब फिलाेंट बहुत छोटे से किचन टोस्टर के समान एक कोयल का वायर होता है डाइग्राम में आप देख सकते हैं यह किचन टोस्टर की तरह एक कोयल का वायर होता है द फिल्मेंट इज यूजली अप्रोक्सीमेटली टू एम एम इन डाया मीटर एंड वन से टू एम एम लॉन्ग मतलब फिलाेंट लगभग टू एम mm एम डाया मीटर और वन से टू एम एम लोंग होता है लेंथ लेस देन वन सेंटीमीटर और इसके लेंथ वन सेंटीमीटर से कम होती है वन द फिल्मेंट इज हीटेड टू वाइट लाइट इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब जब फिलाेंट को वाइट लाइट से गर्म किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस एंड therefore it is not likely to burn out like the filament of a light bulb matlab मतलब इस ka का melting point 3410 degree celsius hota hai टेन डिग्री सेल्सियस होता है इसलिए यह एक लाइट ब्लब के फिलाेंट की तरह जलने में संभव नहीं है अब कैथर्ड के, के सेकेंड कंपोनेंट्स की बात करते हैं फॉक्सिंग कप के बारे में इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं यह है फॉक्सिंग कप होता है इसमें फिलाेंट होते हैं फिलामेंट इज एम्बेडेड इन ए मेटल कप कॉल्ड ए फॉक्सिंग कप मतलब फिलामेंट एक मेटल के कप में लगा होता है जिसे फॉक्सिंग कप कहा जाता है फॉक्सिंग कप इज मेड फ्रॉम निकल एंड लाइट वेट मतलब फॉक्सिंग कप निकल से बना होता है क्योंकि इसका लाइट वेट होता है द फॉक्सिंग कप फॉक्स द इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट विच आर प्रोड्यूस्ड बाई द फिलामेंट मतलब फॉक्सिंग कप इलेक्ट्रॉन को उस टारगेट पर फोकस करता है जो फिलामेंट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं विदाउट द फॉक्सिंग कप द इलेक्ट्रॉन बिकम स्प्रेड ऑफ मतलब फॉक्सिंग कप के बिना इलेक्ट्रॉन स्प्रेड मतलब इलेक्ट्रॉन ट्यूब में ही फैल जाते हैं द फॉक्सिंग कप आल्सो प्रोटेक्ट द एडजसेंट पार्ट्स ऑफ द ट्यूब वॉल फ्रॉम द डैमेज बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट मतलब फॉक्सिंग कप भी ट्यूब की वॉल के आसपास के पार्ट्स को इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट से डैमेज से प्रोटेक्ट करता है अब ट्यूब का फोर नंबर कंपोनेंट है एनोड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह एनोड पार्ट होता है एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है अपोजिंग द कैथोड यह कैथोड के, के अपोजिट साइड होता है हाई डेंसिटी मेटल टारगेट यह हाई डेंसिटी मेटल टारगेट होता है इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एनोड टंगस्टन का बना होता है अब टाइप्स ऑफ एनोड की बात करते हैं एनोड टू टाइप के होते हैं फर्स्ट है स्टेशनरी एनोड सेकेंड है रोटेटिंग एनोड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यह स्टेशनरी एनोड होता है और यह रोटेटिंग एनोड होता है तो आइए इन दोनों को डिटेल में जानते हैं फर्स्ट है स्टेशनरी एनोड इसके नाम से ही पता चलता है यह एनोड स्टेशनरी मतलब एक जगह स्थिर होता है या एक जगह फिक्स होता है मेड ऑफ टंगस्टन यह टंगस्टन से बना होता है यह टू से थ्री एम एम थिक मतलब टू से थ्री एम एम मोटा होता है एम्बेडेड इन लार्ज मास ऑफ कॉपर मतलब यह कॉपर के लार्ज मास में एम्बेडेड होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है कॉपर होता है और यह टंगस्टन एनोड इसमें एम्बेड होता है कॉन्सिस्ट ऑफ वन फिलामेंट। यह एक फिलामेंट से मिलकर बना होता है ट्राई एंगुलर एंड रेक्टेंगुलर सेप स्टेशनरी एनोड ट्राइ एंगुलर मतलब त्रिकोणीय और रेक्टेंगुलर सेप मतलब आयताकार होता है स्टेशनरी एनोड में एनोड का एंगल 15 से 20 डिग्री होता है डायमेंशन ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन वन सेंटीमीटर से अधिक होता है स्टेशनरी एनोड इज यूज इन डेंटल एक्सरे यूनिट पोर्टेबल एक्सरे यूनिट एंड वेर लो पावर एक्सपोजर आर रिक्वायर्ड स्टेशनरी एनोड का यूज डेंटल एक्सरे यूनिट पोर्टेबल एक्सरे यूनिट और जहां लो पावर एक्सपोजर की रिक्वायर्ड होती है वहां स्टेशनरी एनोड का यूज किया जाता है अब बात करते हैं स्टेशनरी एनोड में टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है हाई एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है यह 3387 डिग्री सेल्सियस होता है इट डज़ नॉट इजीली वेपोराइज मतलब यह आसानी से वेपोराइज मतलब आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता है इट हैज गुड थर्मल कंडक्टिविटी मतलब इसमें अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इसकी हाई डेंसिटी होती है एनोड का सेकेंड टाइप है रोटेटिंग एनोड इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एनोड रोटेटिंग मतलब यह रोटेट करता है मेड ऑफ टंगस्टन और एलोय ऑफ टंगस्टन विथ रेनियम मतलब रोटेटिंग एनोड टनगस्टन या टंगस्टन विथ रेनियम से बना होता है एज edge बेवल edge. मतलब रोटेटिंग एनोड उभरा हुआ होता है एंगल ऑफ बेवल इज सिक्सटीन टू ट्वेंटी डिग्री रोटेटिंग एनोड का बेवल का एंगल सिक्सटीन डिग्री से ट्वेंटी डिग्री होता है द एंगल मेक्स इजियर फॉर द एक्सरे टू बी इमिटेड इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन रोटेटिंग एनोड में सिक्सटीन डिग्री से ट्वेंटी डिग्री एंगल की वजह से एक्सरे नीचे की डायरेक्शन में इमिट होना इजी हो जाता है स्पीड ऑफ रोटेशन इज 3000 थाउजेंड प्रैक्टिकली मतलब इस एनोड के रोटेशन की स्पीड 3000 थाउजेंड होती है रोटेटिंग एनोड इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एट हाई इंटेंसिटीज़ मतलब रोटेटिंग एनोड हाई इंटेंसिटीज पर एक्सरे का प्रोडक्शन करता है हायर ट्यूब करंट्स एंड शॉर्टर एक्सपोजर टाइम्स इसमें हाई ट्यूब करंट और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम लगता है रोटेटिंग एनोड हाइपलाइट डिपेंड्स ऑन रफिंग एंड पिटिंग ऑफ सरफेस ऑफ एनोड एक्सपोज टू इलेक्ट्रॉन बीम मतलब रोटेटिंग एनोड की लाइफ इलेक्ट्रॉन बीम के संपर्क में आने वाले एनोड की सरफेस के रफिंग मतलब खुरदरेपन और पिटिंग पर डिपेंड करता है द रोटेटिंग एनोड अलाउज़ द इलेक्ट्रॉन बीम टू इंटरेक्ट ऑन ए मच लार्ज टारगेट एरिया ड्यूरिंग द एक्सपोजर मतलब रोटेटिंग एनोड इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सपोजर के दौरान एक लार्ज टारगेट एरिया पर इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है द रोटेटिंग एनोड असेंबली कॉन्सिस्ट ऑफ एनोड एनोड स्टेम बेरिंग स्टार्टर रोटर एंड फोकल स्पॉट मतलब रोटेटिंग एनोड असेंबली में एनोड एनोड स्टैम बेरिंग स्टार्टर रोटर और फोकल स्पॉट होते हैं तो आइए जानते हैं एनोड के इन सभी पार्ट्स को डिटेल में जानते हैं फर्स्ट है एनोड स्टेम इस, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है एनोड स्टैम होता है मेड अप ऑफ मोलिबिडिनम यह मोलिबिडिनम से बना होता है इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब एनोड स्टेम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन कंडक्टर ऑफ हीट पोअर होता है इट प्रोटेक्ट्स बॉल बैरिंग्स फ्रॉम अनडेरेबल हीट यह बॉल बैरिंग्स को अनडेसीबल हीट से प्रोटेक्ट करता है सेकंड है बैरिंग इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह बैरिंग है होते हैं बैरिंग्स इंक्रीज लाइफ ऑफ द ट्यूब मतलब बैरिंग ट्यूब की लाइफ को बढ़ाती है लुब्रिकेंट यूज इन सिल्वर मतलब बेरिंग में सिल्वर का यूज एक ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है सिल्वर इज शूटेबल इन वैक्यूम क्योंकि वैक्यूम में सिल्वर सूटेबल होता है अब स्टार्टर की बात करते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है दो स्टार्टर लगे होते हैं द स्टार्टर इज लोकेटेड आउटसाइड द ग्लास एनवलप मतलब स्टार्टर ग्लास एनवलप के आउटसाइड में स्थित होते हैं मतलब स्टार्टर ग्लास एनोलप के बाहर की साइड स्थित होते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इक्वली स्पेस्ड अराउंड द नेक ऑफ द ट्यूब मतलब स्टार्टर ट्यूब की नेक के चारों तरफ समान रूप से स्पेस वाले इलेक्ट्रो की एक श्रृंखला से मिलकर बना होता है अब रोटर की बात करते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है रोटर होता है द रोटर इज इनसाइड द ग्लास एनोलप इन ए सॉफ्ट मेड ऑफ बार्स ऑफ कॉपर एंड सॉफ्ट फैब्रिकेटेड इनटू ए वन मास मतलब रोटर ग्लास एनवलप के अंदर होता है और यह कॉपर के बार से बना एक साफ्ट होता है और यह एक मास में सॉफ्ट फैब्रिकेटेड से बना होता है अब ट्यूब का फाइव नंबर कंपोनेंट्स है फोकल स्पॉट इट इज द एरिया ऑन द एनोड यह एनोड पर स्थित एरिया होता है वेयर द इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड एंड एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड मतलब फोकल स्पॉट पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं और एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं टू फोकल स्पॉट फोकल स्पॉट टू टाइप के होते हैं फर्स्ट है स्मॉल फोकल स्पॉट सेकेंड है लार्ज फोकल स्पॉट तो फर्स्ट स्मॉल फोकल स्पॉट की बात करते हैं स्मॉल फोकल स्पॉट इज़ यूज वेन बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन इज डिज़ायर्ड मतलब स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज तब किया जाता है जब बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत हो यह स्मॉल एमए मतलब कम एक्सपोजर पर वर्क करता है जैसे हैंड के एक्सरे में रिस्ट के एक्सरे में एंकल के एक्सरे में और यह हाई रिजोल्यूशन देता है सेकेंड है लार्ज फोकल स्पॉट लार्ज फोकल स्पॉर्ट इज यूज वेन लार्ज बॉडी पार्ट इज इमेज मतलब लार्ज फोकल स्पॉट का यूज तब किया जाता है जब बॉडी के लार्ज पार्ट की इमेज लेनी हो जैसे चेस्ट के एक्सरे में एबडोमन के एक्सरे में लार्ज एम ए मतलब यह बड़े एक्सपोजर पर वर्क करता है और यह लो रिजोलूशन देता है ट्यूब का सिक्स नंबर कम्पोनेंट्स है बेरेलीम विंडो एक्सरे ट्यूब विंडो इज मेड फ्रॉम बेरेलीम मतलब एक्सरे ट्यूब की विंडो बेरिलियम से बनी होती है बेरिलियम इज प्रिफेरड बिकॉज इट हैज़ लो डेंसिटी एंड लो एटॉमिक मास एंड हेंस वेरी लो ऐबॉर्प्शन ऑफ एक्सरे मतलब बेरिलियम को इसलिए प्रीफेड माना जाता है क्योंकि बेरिलियम लो डेंसिटी और लो एटॉमिक मास का होता है इसलिए एक्सरे का बहुत कम एब्जॉर्पन होता है ट्यूब का सेवन नंबर कंपोनेंट्स है ट्यूब हाउसिंग विजिबल पार्ट ऑफ द ट्यूब यह ट्यूब का विजिबल पार्ट होता है इट इज ए मेटल कैश कॉन्सिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय यह मेटल कैश में एल्यूमिनियम एलॉय से बनी होती है इट सील्ड अगेंस्ट लीकेज रेडिएशन यह लीकेज रेडिएशन के अगेंस्ट ट्यूब को सील्ड करता है इट इज लेड लाइनेड लेड लाइनेड होता है विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द ग्लास ट्यूब एंड प्रोवाइड सिल्डेड फ्रॉम रेडिएशन ट्यूब हाउसिंग ग्लास ट्यूब को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है और रेडिएशन की शील्डिंग प्रोवाइड करता है लीकेज लिमिट हंड्रेड मिली रॉन्जन पर हावर एट वन मीटर होती है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा